आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। यूपी निकाय चुनाव के लिए बीजेपी का मास्टर प्लान, ट्रिपल इंजन सरकार बनाने पर पार्टी का फोकस। प्रकृति प्रेमियों को सीएम योगी का तोहफा, नया गंतव्य होगा कुकरेल नाइट सफारी वरानी बो टाइगर रिजर्व। अखिलेश यादव का भाजपा पर निशाना, बोली भाजपा सरकार ने खो दिया आम जनता का भरोसा, कार्यशैली ने बर्बाद कर दी कानून व्यवस्था। योगी सरकार के निशाने पर हर बड़ा माफिया, अपराधी जाति धर्म नहीं, अपराध की प्रकृति देखकर हो रही है कार्यवाही। उन्नाव में भाजपा प्रत्याशी विवेक सेठ का नामांकन खारिज, प्रस्ताव के हस्ताक्षर निकले फर्जी, पूछताछ में को बोला सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। अतीक अहमद मामले में बड़ी खबर सामने आई है, लखनऊ से पुलिस ने मोहम्मद मुस्लिम को गिरफ्तार किया है। बता दें कि असद और मोहम्मद मुस्लिम का लेन देन का लेकर जो ऑडियो वायरल हुआ था, जिसके आधार पर जाँच पड़ताल की जा रही है। बता दें कि माफिया अतीक अहमद की व्हाट्सएप चैट के साथ ही दो ऑडियो भी इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुए हैं। ऑडियो अतीक के बेटे असद और बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम के बीच फोन पर हुई बातचीत के बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। दोनों ऑडियो में आवाज असद और मुस्लिम की ही है। फिलहाल पुलिस ऑडियो की जांच कर रही है। हेलो, बोल गए थे, ये कह रहे थे कि भाई के पास हम जाते हैं जेल मुलाकात करने, उमर भाई से मिलने जाते हैं जेल, तो उन्होंने हमसे कहा था आपसे बात करने को कुछ। अच्छा, वो 5 तारीख को आ रहे हैं पेशी पे, तो आप टाइम निकाल के वो उनसे मुलाकात के लिए आ जाते हैं। तो हम यार कचहरी हमको न बुलाओ, समझो क्या हो गया कचहरी में। कचहरी में थोड़ा सा ठीक नहीं रहता, हम कचहरी हम जाते भी नहीं उधर, या जेल चलिए हमारे साथ। अब जेल वेल हम न जा पाएंगे, और कोई मैसेज जो बताओ तो हम बताओ, जो करना हो कर दें, नहीं तो मुलाकात न कर पाएंगे, ये कहना चाह रहे हैं आप। तो मुलाकात कर लिया जाता है तो कैसे हो, पेशी तो पे भी ना आ पाएंगे आप, जेल पेशी पे ना बुलाओ हमको, पेशी पे असल में चूंकि वहाँ जाते भी नहीं हम कचहरी उचरी ज्यादा, तो फिर कैसे मुलाकात होगी। मुलाकात हम तुम कर लेंगे कहीं पे जहाँ कहोगे। नहीं नहीं, उमर भाई से मिलना था आपको। उमर से मिलना है तो चलो, अच्छा हम देखते हैं, क्योंकि वहाँ चूंकि कचहरी उचेरी बहुत कम जाते हैं ना, एक बार वहाँ मुलाकात हो गई थी उन लोग से, जकी लोग से। कोई मैसेज हो तो बता देना हमको। वही बात है ना कि एक एक अब हम क्या बताएं, एक कहावत है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, मतलब समझे नहीं उस पे हम आगे क्या कर सकते हैं। नहीं नहीं, अभी तुमने जो जो तुमने इमरान की बात किया ना, इमरान देखो ऐसा है कि इमरान तुमको पता है कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते, तुम्हारी जानकारी में भी है। और कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता है मुस्लिम साहब हम नहीं जानते। नहीं सुन तो लो हमारी बात, और अगर कोई मसला मसाइल हमारे साथ बचपन से हमारे दोस्त भी रहे, कोई मसला मसाइल है कभी फोन फान आता है तो हम इनकार तो कर नहीं सकते किसी को। वही बात है ना कि कारोबार भाई, हम भी देखते हैं गाड़ी आपके। नहीं हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं, पता नहीं किस कौन मिलने आता है किससे मिलने आता है, आज तो आए थे मुलाकात करके भी चले गए किसी के साथ। बस वही बात है, चलिए ठीक है हम बात कर लेते हैं, हमारा नंबर सेव कर लीजिए, बस फोन उठा लीजिए। ठीक है जी, ठीक है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ मोहम्मद कलीम जुड़ेंगे। मोहम्मद कलीम, देखिए जो अभी ऑडियो लीक हो रहा है प्राइम टीवी, तो उसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जिस तरीके से अतीक का बेटा असद और बताया जा रहा है कि मोहम्मद मुस्लिम जो है, दोनों की बातचीत हो रही है। देखिए जिस तरीके से एक ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, ऑडियो के वायरल होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि ये ऑडियो एक जो है बिल्डर का है, क्योंकि उस बिल्डर में पैसों के लेन देन की बात हो रही है, और इसके साथ ही पेशी पर जो आने की बात कही जा रही है, पेशी के दौरान मिलने की बात कही जा रही है, तो इसको लेकर के जिस तरीके से अधिकारी इस मामले की जाँच कर रहे हैं, क्योंकि जो असद का ऑडियो बताया जा रहा है, फिलहाल असद
वो एसटीएफ की मुठभेड़ में मारा जा चुका है, लेकिन अभी इस ऑडियो को लेकर के जिस तरीके से पुष्टि की बात की जाए तो अभी इस मामले में कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। फिलहाल जिस तरीके से इस मामले में जांच पड़ताल चल रही है तो साफ कहा जा रहा है कि इसमें जो बिल्डर की बात है उसको लेकर के भी उससे भी पूछताछ होगी कि आखिर ये इस ऑडियो की सच्चाई है और इस ऑडियो के पीछे राज क्या। फिलहाल क्योंकि व्हाट्सएप कॉलिंग की बात की जाए या ऑडियो व्हाट्सएप चैट की बात की जाए, इस तरीके के इंटरनेट पर कई चीजें वायरल हुई जिसके बाद अधिकारियों ने इस मामले का संज्ञान भी लिया। क्योंकि जो अतीक की बात की जाए, अतीक की जो प्रॉपर्टी की बात की उसको लेकर के भी जिस तरीके से ईडी भी पूछताछ कर रही थी, लेकिन फिलहाल अब अतीक का अंत हो चुका है। लेकिन जो जांच है, जांच अभी भी चालू है। फिलहाल ये ऑडियो जिस तरीके सामने आई है तो इसके बाद जांच और तेज हो गई है। फिलहाल जिस बिल्डर के ऑडियो बताई जा रही है उसको लेकर के भी अब शिकंजा कसने की बात हो रही है। फिलहाल इसमें मामले में कहा जा रहा है कि अभी और तेज जांच होगी और जो ऑडियो में जिस बिल्डर का नाम है उससे को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोहम्मद कलीम। नगरों महानगरों में सरकार बनाने की कोशिश में जुटी भारतीय जनता पार्टी जल्दी घर घर दस्तक देगी। साथ ही नगरीय निकाय चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में जन समर्थन जुटाने के लिए पार्टी शीघ्र ही घर घर संपर्क अभियान शुरू करेगी और इस अभियान के जरिए पार्टी मतदाताओं तक पहुंचकर उन्हें बताएगी कि जनता की अपेक्षाएं और आवश्यकताएं भाजपा ही पूरी कर सकती है। साथ ही घर घर संपर्क अभियान के लिए भाजपा की बूथवार टोलियां निकलेंगी और पार्टी ने हर बूथ के हिसाब से संपर्क टोलियां बनाई है। इस टोली में बूथ समिति के सदस्य और पन्ना प्रमुख के अलावा क्षेत्र के प्रभावी व्यक्ति भी शामिल किए जाएंगे। यह संपर्क टोली पार्टी का पत्रक लेकर लोगों के घरों तक पहुंचेगी और उन्हें मोदी और योगी सरकार की उपलब्धियां बताएगी। वहीं नगर विकास के क्षेत्र में किए गए कार्यों को भी गिनाएगी। पार्टी का फोकस लोगों को यह संदेश देने पर होगा कि ट्रिपल इंजन की सरकार निकायों में ज्यादा प्रभावी साबित होगी। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु, देखिए भाजपा जो है नगर निगम चुनाव से अपने ट्रिपल इंजन सरकार की ताल ठोक रही है। घर घर जाकर लोग वहां पर दस्तक देंगे और जो मोदी योगी सरकार के काम है उनको जनता तक पहुंचाएगी। जी बिल्कुल नंदनी, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव को एक लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर पूरी तैयारियां कर रही है। अगर बात करें तो सूबे के मुख्यमंत्री आगामी 20 अप्रैल से चुनावी जनसभा को संबोधित कर सकते हैं और साथ ही आपको बताएं कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उच्च पदाधिकारी समेत कई केंद्रीय मंत्री भी चुनाव प्रचार में उतरेंगे। उसी क्रम में आपको बता दें कि पन्ना प्रमुख, पर्चा प्रमुख और साथ ही साथ बूथ अध्यक्षों की भी जिम्मेदारियों को भी तय करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बताएं कि अगर देखें तो विधानसभा चुनाव के दौरान अगर बात करें तो विधान पन्ना प्रमुख, पर्चा प्रमुख के एक दायित्व तय किया गया था। ठीक वैसे भी निकाय चुनाव में रणनीति तैयार करते हुए भाजपा नजर आ रही है। साथ ही आपको बताएं कि निकाय चुनाव को लेकर अगर देखा जाए तो सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियां और साथ ही साथ नगर विकास विभाग की तरफ से जो कार्य किए गए हैं, नगर विकास मंत्री जिससे लेकर लगातार समय दावे वादे करते हैं, इन सभी चीजों को भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाएंगे। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम अशरफ मर्डर केस में तीन आरोपियों की कस्टडी रिमांड मंजूर कर ली गई है। बताया जा रहा है कि थोड़ी देर पहले ही तीनों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। साथ ही मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने तीन हत्यारों लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य की रिमांड मांगी है। वहीं अब कस्टडी रिमांड मिलने के बाद इनसे हत्याकांड को लेकर गहराई से पूछताछ की जाएगी। इतना ही नहीं, ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि तीनों को घटनास्थल कॉल्विन अस्पताल लाया जाएगा और घटनाक्रम को नाट्य रूपांतर किया जाएगा। इसके मद्देनजर कॉल्विन अस्पताल में सुबह से ही कई थानों की फोर्स पहुंच गई है और अस्पताल में हर आने जाने वालों की तलाशी ली जा रही है। साथ ही कर्मचारियों का बिना आई कार्ड के चेक के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। वहीं संदिग्ध लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। बता दें कि भारी सुरक्षा के बीच जो है अतीक और अशरफ के हत्यारोपियों को पेश किया गया है। वहीं बता दें कि पुलिस जो है तीनों को रिमांड पर ले चुकी है। इसके बाद कहा जा रहा है कि क्राइम सीन को जो है फिर से कॉल्विन अस्पताल में रिक्रिएट किया जाएगा। भारी सुरक्षा बल जो है कॉल्विन अस्पताल के बाहर लगा दिया गया है। बिना आईडी कार्ड चेक के बिना उन्हें किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है।
बता दें कि तीनों आरोपियों की जो है कोर्ट से रिमांड मिल चुकी है। भारी सुरक्षा के बीच उन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया था। वहीं कॉल्विन अस्पताल के बाहर जो है भारी सुरक्षा बल तैनात है, पीएससी बल जो है वहां पर तैनात की गई है और कॉल्विन अस्पताल में बिना आईडी चेक किए किसी को भी अंदर आने जाने नहीं दिया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु देखिए, तीनों आरोपियों को जो है कोर्ट की तरफ से रिमांड मंजूर मिल गई है और बताया जा रहा है कि कॉल्विन अस्पताल में फिर से क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। बिल्कुल, आपको बता दें प्रयागराज में माफिया बजरंग की हत्या के बाद जो हत्या करने वाले आरोपी है अरुण नवलेश और सदी, इन तीनों को आज प्रयागराज के सीजीएम कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। अगर बात करें तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ इन तीनों आरोपियों को प्रस्तुत किया गया, जहां आरएएफ और पीएससी बल को भी तैनात किया गया था। अगर बात की जाए नंदनी, तो जब उन्हें कोर्ट में प्रस्तुत किया जा रहा था तो सुरक्षा के हर एक कड़े इंतजाम किए गए थे। साथ ही पुलिस की तरफ से एक पिरामिड बनाई गई थी जिसमें कोई भी बाहरी अंदर ना आ सके। साथ ही मशीनों के सहारे एक चक्र बनाकर इन तीनों आरोपियों को दौड़ाते हुए कोर्ट परिसर में अंदर ले जाया गया कि कोई भी इस तरह का आपराधिक कृत्य ना हो सके फिर एक बार। वही आपको बताएं कि अगर बात करें तो पुलिस की तरफ से 7 दिन का इस मामले को लेकर रिमांड मांगी गई थी, जिसमें 4 दिन रिमांड को स्वीकृति दी गई है। नंदनी, अगर बात की जाए तो हत्या होने वाली जगह पे इन तीनों आरोपियों को ले जाया जाएगा और जैसे घटना को वारदात से इन तीनों आरोपियों द्वारा दिया गया था ठीक वैसे ही इनका फिर रिक्रिएशन किया जाएगा घटनास्थल से। इसलिए ये अंदाजा लगाया जा रहा है से ये आरोपी घटना को अंजाम दे सके थे। साथ ही अगर बात की जाए तो लेकर अतीक अहमद के वकील लगातार कोर्ट से मांग कर रहे थे कि इन आरोपियों को पूरी तरह से सुरक्षित ढंग से रखा जाए और इसका कोर्ट संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई कर सके। साथ ही आपको बताएं कि एसआईटी अब इन तीनों आरोपियों को तमाम पूछताछ कर, साथ ही आपको बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो इनके जो उपयोग किए गए हैं, मोबाइल फोन और तमाम जो दस्तावेज इनके पास है उसको कब्जे में लेकर खंगालेगी कि आखिर किसके किसके कॉन्टेक्ट में थे और हत्या करने से पहले किनके कमांड पर ये घटना को अंजाम दिए है। साथ ही आपको बताएं कि इनसे पूछताछ के लिए तमाम सवालों को भी तैयार कर ली है, एसआईटी की टीम तैयार कर ली है और इन्हें अब रिमांड पर लेकर 4 दिन विधिवत पूछताछ की जाएगी, जिसमें ये साफ हो पाएगा कि अतीक अहमद और भाई अजीज असरफ की हत्या को करवाने वाला व्यक्ति कौन है। अब देखने वाली बात यह है कि तीनों आरोपियों की कहीं ना कहीं देखा जाए अतीक अहमद और असरफ की हत्या किए थे उनके तमाम जो इनपुट निकालने इसको लेकर अब स्थिति में आने वाले समय में साफ होगा जब इनकी तरफ से तमाम खुलासे किए जाएंगे। विभांशु देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आरोपियों का ये कहना है कि वो अपराध की दुनिया में बड़ा नाम कमाना चाहते थे। तीनों आरोपी जो है अलग अलग जिले से हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जिगाना पिस्टल कहाँ से आई, क्योंकि वो इंडिया में तो प्रतिबंधित है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाते हैं तीनों आरोपियों की जो भूमि है वो बेहद एक गरीब घर से तीनों आरोपी आते हैं, मगर जिगाना पिस्टल जो की भारत के अंदर में एक प्रतिबंधित बंदूक है और उसे अगर बात की जाए तो देखिए तो सिद्धू मूसेवाला का कांड है, अजीत सिंह का हत्याकांड है या मुन्ना पचरंगी का हत्याकांड है, इन तीनों हत्याकांडों में कहीं ना कहीं जिगाना की ये बंदूक का उपयोग किया गया था और इसकी कीमत लगभग बताई जा रही है 8 लाख रुपए करीब। तो देखने वाली बात यह होगी कि ये तीनों आरोपियों के पास कैसे बंदूक पहुंची, क्योंकि इनकी माली इनका आर्थिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं इनके घर कमजोर है और इनकी स्थिति के मुताबिक ये इतनी महंगी बंदूक कहाँ से लाए हैं वो जांच पड़ताल के बाद साफ होगा। मगर बात करें तो प्रतिबंधित बंदूकों का उपयोग में जहाँ एक तरफ से अतीक अहमद के गुर्गों की तरफ से तमाम प्रतिबंधित अमेरिकन बुलडॉग बंदूक का उपयोग किया जा रहा था तो उनके भी हत्या एक प्रतिबंधित जिगाना पिस्तौल से हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि भारत के अंदर में जिगाना पिस्तौल का जो एक वर्चस्व माफिया के बीच है वो कहाँ से आ रहा है, असद का एनकाउंटर हुआ था तो उसके पास से घटनास्थल से अमेरिकन बुलडॉग पिस्तौल बरामद हुई थी जो कि भारत के प्रतिबंधित है और उसकी जो पूछताछ हुई तो उसके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से नजर आए थे कि पाकिस्तान से और कहीं ना कहीं से वो बंदूक भारत में आए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस पिस्तौल से माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अजीम असद की हत्या हुई है
इसमें पिस्तौल कहाँ से आई है और किसके द्वारा मुहैया कराई गई है। जी विभांशु, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ईडी ने आईएनएक्स धन संशोधन मामले में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की 11 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। बताया जा रहा है कि ईडी ने कर्नाटक में 11.04 करोड़ रुपए मूल्य की चार संपत्तियां कुर्क की है, जो कांग्रेस सांसद कार्ति पी चिदंबरम और अन्य से संबंधित है। जहां ईडी ने कहा कि कुर्क की गई चार संपत्तियों में से एक कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित अचल संपत्ति है। साथ ही बयान में कहा गया है कि कार्ति के खिलाफ धन संशोधन निवारण अधिनियम के तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया गया है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम तमिलनाडु के शिवगंगा लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद हैं और उन्हें आईएनएक्स मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और ईडी दोनों ने गिरफ्तार किया था। महाराष्ट्र के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शुरू हुई कथित विद्रोह को एक बार फिर से पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने कुचल दिया है। बताया जा रहा है कि सियासी हलकों में यह अफवाह उड़ी थी कि भतीजे अजीत पवार जल्दी तिरपन में से करीब 40 विधायकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये सारी बातें उस वक्त हवा हो गई जब अजीत मीडिया के सामने आए और कहा कि जब तक वो जीवित हैं एनसीपी के लिए काम करते रहेंगे। इसके साथ ही अजीत ने उन अटकलों को भी खारिज कर दिया जिसमें उनके बाकी विधायकों के साथ बीजेपी ज्वाइन करने की बात कही गई थी। टीएमसी नेता मुकुल रॉय एक बार फिर से बंगाल की राजनीति में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। लंबे समय के बाद उन्होंने दिल्ली में कदम रखा। बंगाल की राजनीति के चाणक्य ने दिल्ली में अचानक कदम क्यों रखा, इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में खलबली मची हुई है। मुकुल रॉय किस दल में है, तृणमूल या भाजपा? सोमवार शाम से शुरू हुए नाटक मंगलवार को दिन भर चलता रहा। मुकुल के परिवार और तृणमूल की बयानबाजी जारी रही। दिन के अंत में खुद मुकुल ने फिर से राजनीति पिच पर गुगली फेंकी और सभी कयासों पर विराम लगाते हुए भाजपा में वापसी का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि वो गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। उन्होंने अपने बेटे के बयान को भी गलत बताया कि उनका पता नहीं चल रहा है। इसके आगे उन्होंने बताया कि मैं अपनी मर्जी से दिल्ली आया हूँ और अब मैं भाजपा विधायक हूँ और पार्टी के साथ ही रहना चाहता हूँ। मुकुल रॉय का फिर से भाजपा में शामिल होने का फैसला तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा झटका साबित हो रहा है। आपको बता दें कि कृष्णानगर उत्तर के विधायक मुकुल रॉय को लेकर नाटकीय घटनाक्रम पूरे दिन चलता रहा। हालांकि विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने वाले मुकुल ने बीजेपी में वापसी को लेकर बंगाल भाजपा में नया समीकरण देखने को मिल सकता है। बढ़ते तापमान ने लोगों की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। साथ ही तेज धूप और गर्म हवा को न सिर्फ इंसान बल्कि पशु पक्षी भी परेशान हो चुके हैं और सुबह से ही चिलचिलाती धूप लोगों के चेहरे झुलसाने लगी है। बता दें कि देश के ज्यादातर हिस्सों में गर्मी का कहर जारी है और मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में लू चलने की आशंका जताई है। लगातार कुछ दिनों से ज्यादातर प्रदेशों में गर्म हवाएं चल रही हैं और कुछ राज्यों में वो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। वहीं अप्रैल महीने में ही जून वाली गर्मी के साथ कड़ी धूप और गर्म हवा के झोंकों ने लोगों को आने वाले दिनों के लिए अलर्ट कर दिया है। हालांकि मौसम विभाग ने कुछ राज्यों में बारिश का अनुमान भी बताया है। चुनाव प्रचार में अखिलेश और शिवपाल यादव 8 साल बाद एक साथ नजर आएंगे। भाजपा के गढ़ वाले इलाकों में प्रचार का मोर्चा शिवपाल यादव संभालेंगे। वहीं पार्टी के बड़े नेताओं के चुनावी प्रचार अभियान के कार्यक्रम जल्द तय होने हैं। अखिलेश जयंत के साथ पश्चिमी यूपी में जनसभा की कमान संभालेंगे। बता दें कि चाचा शिवपाल के साथ मैनपुरी, कन्नौज, फिरोजाबाद, इटावा में नजर अखिलेश आएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु, देखिए 8 साल बाद एक बार फिर से जो है चुनाव प्रचार करेंगे अखिलेश और शिवपाल साथ मिलकर। जी नंदनी, आपको बता दें कि लगभग 7.5 साल बाद शिवपाल यादव अपनी पुरानी पार्टी समाजवादी पार्टी में वापस आते हैं और पूरी तरह से पार्टी को
एक गार्जियन के तौर पे वो एक फिर एक दफे स्थापित करते हुए नजर आ रहे हैं। और बात की जाए तो जब से वो पार्टी में आए हैं जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो काफी जोश में और उत्साह में नजर आ रहे हैं। उसी क्रम में निकाय चुनाव प्रदेश में होने वाला है, 4 तारीख को पहले फेज का मतदान होना है। तमाम जो वोटर्स हैं उनके मताधिकार की जो चयन करेंगे वो मत पेटिका में बढ़ेगी, लेकिन उससे ठीक पहले जो तमाम राजनीतिक दल हैं निर्दल प्रत्याशी हैं वो जन जन तक जाकर अपने तमाम वादों को जनता को बता रहे हैं कि हम जीतने के बाद क्या करेंगे। और कहीं ना कहीं चुनाव पे को लेकर राजनीतिक दल भी पूरी तरह से सक्रिय है। तो वहीं सपा एक बार फिर समाजवादी पार्टी में एक बार फिर अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव मैनपुरी और साथ ही साथ जो तमाम पूर्व में सपा की गढ़ रही है वहां पर चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। अगर बात की जाए तो पश्चिम की कमान जयंत जो कि आरएलडी के चीफ हैं और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के हिस्सा हैं उनके साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनावी सभा और चुनावी कन्वेंसिंग करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव जो उनके तमाम पुराने सहयोगी हैं उनके साथ भाजपा के जो गढ़ है जहां पर भाजपा हाल फिलहाल में अगर देखें तो 8 सालों में 2014 से लगातार मजबूत हुई है, इन सब क्षेत्रों में चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। साथ ही अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव के साथ उनके चाचा शिवपाल यादव कन्नौज फिरोजाबाद इटावा और साथ ही साथ मैनपुरी सैफई और जो भी यादव लैंड है उन सब क्षेत्रों में एक साथ नजर आएंगे। और पूर्वांचल की अगर बात करें तो पूर्वांचल की कमान शिवपाल यादव की अगुवाई में होगा जिनके उनके साथ में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य समेत कई वरिष्ठ नेता नजर आएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि सपा की जो रणनीति है निकाय चुनाव को लेकर उसमें कितना सफल हो पाती है, वो चुनाव के नतीजों के बाद साफ हो पाएगा। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस में पार्षदों के टिकट को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि एक ही वार्ड में दो दो सिंबल देने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। वहीं इस बात से नाराज कार्यकर्ता पार्टी तक छोड़ रहे हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस की आपसी गुटबाजी है, इन सब की वजह बताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु देखिए, विभांशु कांग्रेस में आपस में जो है गुटबाजी चल रही है, कार्यकर्ता जो है पार्षद टिकट को लेकर आपस में जो है गुटबाजी कर रहे हैं। जी बिल्कुल नंदनी, आपको बता दें कि जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से निकाय चुनाव के फेज वन के लखनऊ के 95 रिक्त जो निकाय चुनाव के प्रत्याशी थे उनकी लिस्ट आती है, उसके बाद से ही कांग्रेस पार्टी में एक आपसी कलह देखने को मिल रही है। पार्टी के कार्यकर्ता जो कहीं ना कहीं क्षेत्र के अंदर में अपना एक अलग नाम बनाए थे उनको टिकट न देने की वजह से वो अब बगावती सुर में नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको बता रहे हैं कि पार्टी की तरफ से अगर देखा जाए तो तमाम जगहों पर प्रत्याशियों का ऐलान होता है जिसके बाद कार्यकर्ता नाखुश होकर पार्टी से बगावत करते हैं, तो वहीं अब कांग्रेस पार्टी को लेकर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो पार्टी की तरफ से कुछ नेताओं को लीगल नोटिस भेजा गया है उनके निष्कासन को लेकर, और साथ ही मतदान से पहले ही 25 सीटें आउट हो गई हैं। इससे साफ है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो तमाम तैयारियां थी उसमें कहीं ना कहीं विफल नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर में महज उनके दो ही विधायक हैं और बात करें तो लोकसभा के अंदर में एक भी विधायक नहीं है। और 2024 चुनाव के मद्देनजर रख के देखे तो कांग्रेस पार्टी के लिए बुरी खबर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं नाखुश है टिकट वितरण से लेकर। अब देखने वाली बात ये होगी कि जहां प्रियंका गांधी की तरफ से लगातार पार्टी को उत्तर प्रदेश में स्थापित करने के लिए कई फैसले अपनाए गए, मगर अब निकाय चुनाव में बगावती सुर के साथ कांग्रेस लोकसभा में कैसा प्रदर्शन करती है और निकाय चुनाव में कैसा रिजल्ट आता है वो रिजल्ट के बाद साफ होगा। मगर कांग्रेस पार्टी के तमाम जो उम्मीदवार हैं उनके अगर देखें तो लगभग 6 उम्मीदवारों के पर्चे भी खारिज हुए हैं, तो इसका मतलब कि वहां से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नहीं उतरेगा। विभांशु, कांग्रेस जिस तरीके से लगातार चुनाव में उसका कुछ खास प्रदर्शन नहीं देखने को मिल रहा है, वही आपसी गुटबाजी में क्या चुनाव में असर देखने को मिलेगा इसको लेकर? जी बिल्कुल, इससे कहीं ना कहीं देखें तो पार्टी के अंदर में जब से निकाय चुनाव का ऐलान हुआ है उससे ठीक पहले की अगर बात करें तो कांग्रेस यूपी की जिम्मेवारी बिजलाल खाबी के हाथों में है। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनको चुना गया,
साथ ही अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी है, जब से निकाय चुनाव का ऐलान हुआ है या उसकी चुनावों की तैयारियां हो रही हैं, तब से अभी तक प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के प्रदेश मुख्यालय नहीं आई है, जिसका सीधा साधा उदाहरण कार्यकर्ताओं के बगावती सुर में नजर आ रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि इसका कितना असर निकाय चुनाव पे पड़ता है और नतीजों के बाद साफ हो जाएगी कि इसकी तैयारी है और क्या पार्टी के आगे की भविष्य। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवांशु। नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि निकाय चुनाव प्रचार अभियान से बसपा सुप्रीमो मायावती दूर रहेंगी और वो किसी भी जिले में रैली नहीं करेंगी। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल और कोऑर्डिनेटर पर प्रचार की जिम्मेदारी रहेगी। वहीं बता दें कि बसपा ने महापौर पद पर 60% मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। मायावती चुनाव का वॉर रूम बनाकर मॉनिटरिंग करेंगी। एक बार फिर से रुक करते हैं संवाददाता विभांशु की तरफ। विभांशु, क्या वजह है जो इस बार बसपा सुप्रीमो मायावती प्रचार प्रसार से दूर रहेंगी? जी आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी इस बार अलग फैसले से निकाय चुनाव में नजर आएगी। इस बार अगर बात की जाए तो पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र की कोई भी रैली का कार्यक्रम नहीं रखा गया है। वह चुनाव प्रचार में दोनों बड़े नेता सम्मिलित नहीं होंगे, इसकी वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। क्योंकि समय अगर देखें तो बसपा एक अनुशासन को के साथ चलने वाली पार्टी है और उसके तमाम जो लूप होते हैं वो पार्टी के अंदर में ही होते हैं। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि पार्टी के शीर्ष नेता क्यों प्रचार नहीं करेंगे। वहीं अगर बात की जाए तो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल और कोऑर्डिनेटर भीमराव अंबेडकर के हाथों में ये चुनाव की जिम्मेदारी होगी। इन दोनों नेताओं की अगुवाई में ये चुनाव लड़ा जाएगा और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती पूरी तरह से इस चुनाव को वार रूम की तरह से बनाकर मॉनिटरिंग करते हुए नजर आएंगी। साथ ही अगर बात की जाए तो बसपा की तरफ से एक बड़ा मुसलमानों पर दबदाव खेला गया है और 60% महापौर पदों पर मुस्लिम फेस को आगे रखा गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस फैसले से बसपा को कितना लाभ होता है। उसकी बात करें तो साइलेंट तरीके से बसपा लगातार प्रदेश के अंदर में अलग अलग जगहों पर जाकर प्रचार प्रसार का जिम्मा उनके जिला अध्यक्षों के हाथों में था। और अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर जो बसपा दावा करती है कि हम प्रचार प्रसार में कहीं ना कहीं डोर टू डोर कैंपेन हम अलग तरीके से कर रहे हैं, उसमें कितना लाभ होता है, वो चुनाव के नतीजे पर साफ हो पाएगा। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लखनऊ विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्यवाही सामने आई है, जिसके तहत मोहन रोड योजना के पास की जा रही 3 अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की गई है। प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा लगभग 30 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में प्रवर्तन जोन 3 की टीम ने मोहन रोड योजना के पास अवैध रूप से की जा रही प्लॉटिंग के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान काकोरी और पारा थाना क्षेत्र में 3 जगहों पर अवैध प्लॉटिंग के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई है। उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव में कई प्रत्याशियों के टिकट कटने पर काफी रोष नजर आ रहा है। लखनऊ नगर निगम चुनाव में जानकीपुरम द्वितीय वार्ड से बीजेपी की टिकट से दावेदारी करने वाली वर्तिका गुप्ता का टिकट कट गया है, जिसके बाद जानकीपुरम स्थित सहारा स्टेट निवासी वर्तिका गुप्ता को स्टेट के निवासियों ने निर्दलीय प्रत्याशी बना दिया। नामांकन के बाद बैठक कर सहारा स्टेट के निवासियों ने वर्तिका गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है। 5000 वोट से शुरुआत करेगी और 5000 के बाद आगे बाहर सहारा स्टेट के बाहर जब वो जाएगी जानकीपुरम द्वितीय में, हर क्षेत्र में उसको वोट मिलेगा, चाहे वो स्टेट बैंक का परिवार हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का परिवार हो, हर परिवार के लोग यहाँ सहारा स्टेट से जुड़े हुए हैं। यहाँ माँ जगदम्बा का पूजा होता है, यहाँ 2500 लोग आके सुनते हैं, हम लोग अपनी समस्याएं कहते हैं, यहाँ आंदोलन होता है, यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, यहाँ होली दिवाली का व्यवहार होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ये जो चाहे सीवर की समस्या हो वो भाजपा की समस्या नहीं है, वो अगर सड़क की समस्या है वो सपा की समस्या नहीं है, अगर सुरक्षा की समस्या है तो वो बसपा की समस्या नहीं है, समस्या हमारे उसी से हमें समस्या का जो है निदान मिल सके। वर्तिका गुप्ता एक यहाँ से जो कैंडिडेट हैं, जो निर्दलीय कैंडिडेट हैं,
वो वही कैंडिडेट नहीं है। सहारा स्टेट्स के समस्त निवासी यहाँ से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी राजनीतिक दलों को, पार्टियों को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो परेशानियां हैं, जो हमारी जो समस्याएं हैं, यदि उसका निदान नहीं किया गया तो आने वाले जो भी चुनाव होंगे, चाहे विधानसभा के होंगे या संसदीय चुनाव होंगे, हम इस तरह एक तरफा वोटिंग अप नहीं करेंगे और हम अपने विकास मौजूद हैं जाएंगे तो द्वितीय वार्ड में और जनता के बीच में अपनी बात को लेकर के आए हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि किस तरीके से आप इस चुनाव को देख रहे हैं। हालांकि अभी तक आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको टिकट मिलने वाला था, उसके बाद आप निर्दलीय के रूप में कैसे देखती हैं अपने आप? निर्दलीय के रूप में मैं इस तरह से देखती हूँ कि मैं पूरे जानकीपुरम क्षेत्र की और सहारा स्टेट की बेटी हूँ और सहारा स्टेट में जो भी समस्याएं हैं और जानकीपुरम की क्षेत्र की जो समस्याएं हैं द्वितीय वार्ड की, जैसे कि जल भराव है, तलाकरण है, सड़क है, पानी, सीवर आदि की समस्याएं हैं जो काफ़ी समय से टलती आ रही है, नहीं उनका कोई सॉल्यूशन निकला है। तो उन्हीं सबको हमें कायदे से उन समस्याओं से निदान दिलाना है लोगों को। और बेटी हूँ तो मेरा संपूर्ण सहयोग मुझे लोगों का चाहिए, चाहे वो जानकीपुरम क्षेत्र हो, चाहे वो सहारा स्टेट हो। बाकी सहारा स्टेट ने तो डिसाइड किया ही है और मुझे भावी प्रत्याशी के रूप में मैदान में लाए हैं वो, तो अब बाकी आगे मुझे सबका सहमत की जरूरत है। ये वर्तीवा जी, कहीं ना कहीं क्षेत्रीय चुनाव है, क्षेत्रीय चुनाव में कोई जरूरी नहीं है पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया तो कहीं ना कहीं आपका मनोबल तो नहीं गिरा, या आप निर्दलीय रूप में अगर आप आ रही हैं फिर से चुनाव में, तो कहाँ तक अपनी जीत को दर्ज करा रही, कहाँ तक आपको जीत हासिल हो सकती है? जीत तो मेरी देखिए लोगों से ही है, जहाँ मेरा क्षेत्र मेरे साथ रहेगा वहीं मैं रहूँगी। तो मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, ना मेरा किसी पार्टी से कोई वो है, लेकिन बस ये है कि मैं अपने क्षेत्र के लिए और अपने जो कॉलोनी है सारा स्टेट उसके लिए काम करना चाहती हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जो चुनौती होगी, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने पहले आपको टिकट देने के लिए कहा था, उसके बाद अब निर्दलीय आपको लड़ना पड़ रहा है, तो अभी आपकी जो फाइट होगी वो किससे होगी? आपका भारतीय जनता पार्टी के साथ फाइट हो रही है या समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट होगा उनके साथ हो रही है, किस तरीके का फाइट होगा? फाइट मेरी किसी से नहीं है, मेरा ये मानना है कि मेन लोगों की समस्याओं का निदान होना चाहिए। तो पार्टी मैटर नहीं करती है, वोटर मैटर करते हैं। जहाँ वोटर मेरे साथ होंगे और जहाँ एक ये चीज़ होगी कि जो भी लोग हैं वो मुझे अप्रोच कर पाएंगे, तो मैं उनकी समस्याओं का निदान करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आप प्राइम टीवी के माध्यम से जानकीपुरम की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? बस मैं पूरा सपोर्ट चाहती हूँ जानकीपुरम द्वितीय वार्ड से, और हमारा जो भी क्षेत्र है वो मुझे पूर्ण सहमति के साथ पूर्ण मत दे, यही मेरी सबसे एक विनती है। तो ये हमारे साथ बात कर रही थी वर्तिका गुप्ता, जो जानकीपुरम द्वितीय वार्ड से यहाँ पर प्रत्याशी निर्दलीय रूप में चुनी गई हैं, यहाँ की जनता ने इनको निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुना है। अब ये चुनाव को जीतने के बाद कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के विकास में अपनी भागीदारी निभाएंगी और आने वाले समय में जब चुनाव का मतगणना होगा या जब मतदान होगा, मतदान के बाद जब मतगणना होगी, आने वाले समय में अगर ये जीत हासिल कर पाती हूँ तो कहीं ना कहीं जानकीपुरम द्वितीय वार्ड की जो समस्याएँ हैं उन समस्याओं को दूर करेंगी। रायबरेली में बिजली के तार आपस में चिपकने से शॉर्ट सर्किट हो गया। बिजली के तारों से अचानक चिंगारी निकलने से आसपास की दुकानों में हड़कंप मच गया। बता दें कि पूरा मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत कस्बे का है, जहां बिजली के दो तारों में आपस में चिपकने के कारण बिजली के तारों से चिंगारी निकलने लगी, जिसको देखकर स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाकर भागने लगे। वहीं स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग के अधिकारियों और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद इलाके के लाइट काट कर फॉल्ट ठीक कराया गया, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।